चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक नंबर 7, जिसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी और नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये सब कवर होता है सेक्शन नंबर 161। तो 161 के चार पार्ट्स हो गए। ओके, तो पहले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे एडिशनल डायरेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चारों टाइप के डायरेक्टर हैं, ये जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग मिलके अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स अपॉइंट नहीं करते इन डायरेक्टर्स को। ऑलराइट, और इसमें एक चीज और बहुत खास ध्यान देने वाली बात है कि जो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज करे, तब जाके आप एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। कैजुअल वैकेंसी के केस में क्या है कि आर्टिकल्स एक प्रोसीजर बताते हैं या तरीका बताते हैं कि अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो गई तो वो डायरेक्टर हम कैसे अपॉइंट करेंगे। अगर आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा, देन आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे और उसको जो नेक्स्ट जो भी जनरल मीटिंग हो रही होगी उसके अंदर शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे। तो बाकी चीज़ें अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं विद एडिशनल डायरेक्टर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है इन चारों में से किसी एक का, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहली बात हमने की पावर। तो मैंने अभी आपको बताया पावर कहाँ से मिलती है, आर्टिकल से मिलती है। किसे मिलती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलती है। तो आर्टिकल्स कैन गिव पावर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर। तो कोई भी कंपनी एडिशनल डायरेक्टर क्यों अपॉइंट कर रही है? बिकॉज फॉर द टाइमिंग, अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी में काम का लोड ज़्यादा हो गया और उनको थोड़े डायरेक्टर्स की और आवश्यकता है, एक्सपर्ट बंदों की जो हैंडल कर सके सिचुएशन को, तो ये लोग एक बार एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं। और बाद में इस एडिशनल डायरेक्टर को सेक्शन 160 के कंप्लाइंस के थ्रू हम रेगुलर डायरेक्टर ऐसे अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि कंपनी को पूरी जनरल मीटिंग तक वेट करना पड़ेगा डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। तो सच एनी पर्सन मस्ट नॉट बी अ पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे ऐसा वो बंदा नहीं होना चाहिए जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, जो कि जनरल मीटिंग के अंदर जिसके बारे में नाम को लेकर डिस्कशन हुआ था और रिजोल्यूशन फेल हो गया था। ठीक है, तो मतलब जाहिर सी बात है, जिस बंदे को शेयर होल्डर्स चाहते नहीं थे अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाना, तो उस बंदे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैकडोर से कंपनी का डायरेक्टर नहीं बना सकते। क्लियर है ये बात? उसके बाद टेन्योर। तो टेन्योर मैंने आपको बताया, जो एडिशनल डायरेक्टर होता है ये एजीएम तक रहेगा। एजीएम के बाद अगर उसको रहना है कंपनी में तो एज अ रेगुलर डायरेक्टर वो रह सकता है। उसके लिए उसको सेक्शन 160 कंप्लाई करना पड़ेगा, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो टेन्योर क्या है? एन एडिशनल डायरेक्टर होल्ड्स ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम और द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड एज पर सेक्शन 96, विच एवर इज अर्लियर। अब आप एक बार इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको और 152(6) के अंदर जो हमने पढ़ा था उन दोनों को आप कंफ्यूज मत करना। एडिशनल डायरेक्टर के टेन्योर में हम क्या कह रहे हैं, कि आपकी एजीएम जब भी हेल्ड होनी चाहिए थी एज पर सेक्शन 96। सेक्शन 96 क्या कहता है भाई? जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, लेट से 31 मार्च, तो उसके 6 महीने, मतलब एट द एंड, बिफोर द एंड ऑफ 6 मंथ आपको वो एजीएम कंडक्ट करना है। तो इसके हिसाब से आपके पास 30 सितंबर तक आपको एजीएम कंडक्ट करना है। ओके, यही लिखा है सेक्शन 96, कंपनी शेल होल्ड एजीएम विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, या आपकी जो एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, ये पहले भी की जा सकती है। लेट से हमने अगस्त में ही कर लिया, 13 अगस्त को हम लोग एजीएम कंडक्ट करते हैं। तो विच एवर इज अर्लियर, 30 सितंबर और 13 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाए डेट, उस दिन डायरेक्टर, जो एडिशनल डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया है, उसको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। तो ये चीज हम कह रहे हैं। 152(6) में हम क्या कहते थे, अगर आपकी एजीएम कंडक्ट हो ही नहीं, ओके, तो आपको डायरेक्टर को वैकेट करना पड़ेगा। बट अगर एजीएम हुआ लेकिन ये डिस्कस नहीं कर पाए हम रीअपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, और एजीएम एडजर्न हो गया,
तो जब एडजर्न मीटिंग के अंदर हम देखेंगे। बट इस केस में अगर हम बोलते हैं कि भाई हम एजीएम कंडक्ट करेंगे लेकिन नवंबर में करेंगे, लेट से 15 नवंबर, ओके, तो एक तरीके से क्या हुआ, आपकी एजीएम एडजर्न हो गई, बट दिस विल नॉट बी अ रीज़न, आपका जो एडिशनल डायरेक्टर है उसको ऑफिस 30 सितंबर को ही वेकेट करना पड़ेगा, ओके। तो दोनों सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है, इन दोनों को आप मिक्सअप मत करना, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अभी हम करेंगे भी क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा सा और रियलाइज होगा। ऑलराइट, तो बेसिकली एक्चुअली जो पेपर सेट कर रहे हैं वो आपको इसी ट्रैप में फंसाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप गलत आंसर लिख के आ जाओ, आप लिख दो कि अगर एजीएम एडजर्न हो रहा है तो ऑफिस वैकेट नहीं करेगा, बट इसका एडिशनल डायरेक्टर का केस और जो आपके रोटेशनल डायरेक्टर्स थे 152(6) में, वो दोनों केसेस एकदम डिफरेंट है, समझिए इस बात को, ओके। ठीक है, सेक्शन 196 में एक बात और कह रखा था, रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजन ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। अभी सपोज कीजिए कि कोई अर्थक्वेक आ गया, तो अब कंपनी को 3 महीने तक का टाइम एक्सटेंड हो सकता है, तो ऐसे केस में अलाउड है 3 महीने तक, तो 3 महीने तक अलाउड है, तो फिर आपका ये जो डेट है 30 सितंबर, ये आगे खिसक के मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 31 दिसंबर, वो भी कब, जब आपको ROC खुद अलाउ कर रहा है, ओके। तो इसमें आपका ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर और टेन्योर वाला, सभी के अंदर बेसिकली ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, एडिशनल हो या अल्टरनेट हो। तो पावर आर्टिकल्स देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है, टू अपॉइंट एनी पर्सन, बट वो एनी पर्सन वो नहीं होना चाहिए जो कि शेयर होल्डर द्वारा रिजेक्ट किया गया है पहले कभी, ओके। आर्टिकल गिव्स पावर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम, ओके। सो आपको वेट नहीं करना कोई स्पेशल ओकेजन के लिए, सच एनी पर्सन मस्ट नॉट बी अ पर्सन वो फेल टू गेट अपॉइंटेड, हो गया। टेन्योर क्या है, अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट AGM या लास्ट डे ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड एज पर 96। क्लियर है, सेक्शन 96 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद भाई AGM वाले दिन वो अपना ऑफिस वेकेट करेगा, अब आगे हमें उस डायरेक्टर की सेवाएं लेनी है तो क्या करे, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर एज रेगुलर डायरेक्टर, तो ओके, आप उसको एज ए रेगुलर डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको सेक्शन 160 के अंदर जो आपको बता रखा था वो सारा कुछ कंप्लाई करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा 14 डे पहले का, 1 लाख का डिपॉजिट दो, ओके। As per explanation to 152(7), retiring director means a director retiring by rotation. अच्छा, मैंने अभी आपको बोला कि 1 लाख का डिपॉजिट देना पड़ेगा, बट अगर वो डायरेक्टर डायरेक्टर्स ने रेफर किया है, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ना एक नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी होती है, अगर वो रिकमेंड करे कोई डायरेक्टर तब वो डिपॉजिट वाला हट जाता है, तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे, अगर वो कमेटी रिकमेंड करती है तो आपको डिपॉजिट नहीं देना, बट नोटिस फिर भी आपको देना, और नोटिस के अंदर बताना है वो डायरेक्टर के बारे में पूरी डिटेल्स। अब पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर एज रेगुलर डायरेक्टर एज पर एक्सप्लेनेशन टू 152(7) जो हमने पढ़ा था, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, तो रिटायरिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन, ठीक है, वेयर अ डायरेक्टर रिटायर्स बाय रोटेशन ही कैन बी रीअपॉइंटेड विदाउट कंप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ 160, बट सिंस एडिशनल डायरेक्टर डज नॉट रिटायर बाय रोटेशन ही इज नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर, तो एडिशनल डायरेक्टर आपका रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है इसलिए ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट नहीं होगा, देयरफॉर एडिशनल डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड एज अ रेगुलर डायरेक्टर इन AGM ओनली इफ कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर 160 आर कंप्लाइड, फिर आपको 160 के कंडीशंस बतानी है। तो जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अभी मैं आपको जो आगे एक दिखाऊंगा, लेट से ये वाला ही क्वेश्चन आप देख लीजिए, मिस्टर सुरेश An additional director appointed by board of director of a public company is proposed to be appointed as a regular director in the AGM. Explain the requirement under Companies Act 2013 to give effect to the proposed appointment. तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एज इट इज ये पूरा पॉइंट नंबर 4 है, ये आप लिख के आएंगे, और सेक्शन 160 एक बार मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, उसमें जो नोटिस वगैरह बोला था ये सब ये लिख के आएंगे, पॉइंट नंबर 1, ओके,
पॉइंट थ्री लिख लीजिए, ठीक है। तो 160 के ऊपर अलग से तो क्वेश्चन बड़े कम आते थे, बट इस तरीके से आपको कंबाइन करके दे सकते हैं कि कैजुअल वैकेंसी में जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, अब उसको हमें रीअपॉइंट करना है एज ए रेगुलर डायरेक्टर, या एडिशनल डायरेक्टर को हमें अपॉइंट करना है एज ए रेगुलर डायरेक्टर, तब आपको ये प्रोविजन लिख के आना होगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। कैन एडिशनल डायरेक्टर भी है एमडी? यस, जो एमडी की डेफिनेशन दे रखी है 254 में वो ऐसे स्टार्ट होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर वो, तो इसका मतलब द यूज ऑफ वर्ड डायरेक्टर मेक्स इट क्लियर दैट एमडी हैज टू बी डायरेक्टर फर्स्ट। तो एडिशनल डायरेक्टर हो या ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो, कोई भी वो डायरेक्टर तो है, ओके तो जब तक वो आदमी डायरेक्टर है, अगर हम उसको एमडी बनाना चाहे तो बन सकते हैं, बट जिस दिन उसका डायरेक्टरशिप का ऑफिस वेकेट होगा उस दिन उसको एमडी का ऑफिस भी खाली करना पड़ेगा। सो यस, एडिशनल डायरेक्टर कैन बी ए एमडी, बट इफ एमडी सीजेस टू बी अ डायरेक्टर ही ऑटोमेटिकली सीजेस टू बी ए आपका मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, तो ये था आपका टोटल एडिशनल डायरेक्टर, बहुत सिंपल इजी है, ज्यादा इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है नहीं। ओके, अब क्वेश्चन टू हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। सम्राट वीपी ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड वॉज अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर इन जनवरी 2014, ठीक है जी। ऑन द ऑफिस ऑफ एम डी फॉलिंग वैकेंट ही वॉज अपॉइंटेड एज एम डी ऑन एग्जिस्टिंग रेम्यूनरेशन, ठीक है। वेदर सम्राट विल सीज टू बी एम डी इन द नेक्स्ट ईजीएम, तो सिंपल सी बात है, आपको एडिशनल डायरेक्टर इसको हमने अपॉइंट किया है, तो आपको ये दो बातें लिखनी है। एक तो ये टेन्योर के बारे में बताना है कि भाई एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर एजीएम तक ही रहता है, और यहाँ पे आपको बताना है कि हाँ जी एडिशनल डायरेक्टर एमडी बन सकता है, बट अगर वो डायरेक्टर ही नहीं रहा तो फिर उसको एमडी का ऑफिस भी वेकेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपको हिंट में 0.245, तो 0.2 ये हो गया, 0.4 ये हो गया, और 0.5। अच्छा, 2 और 5 तो समझ में आता है कि क्यों लिखना है, पॉइंट नंबर 4 क्यों लिखना है। अब हम यहाँ पे ये लिखना चाहेंगे कि भाई अगर आप उसको एज ए एम डी, आपने 2 और 5 तो लिख लो अपना पहले, उसके बाद आप अपनी तरफ से यहाँ पे लिखोगे कि अगर आप चाहते हो कि वो एम डी बना रहे आगे भी, तो सम्राट को एज ए रेगुलर डायरेक्टर आप अपॉइंट कर दो, ठीक है, बाय कंप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 160। तो ये पूरा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप ये लिख सकते हो, इतना लिख दीजिए, एडिशनल डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड एज ए रेगुलर डायरेक्टर इन ईजीएम ओनली इफ कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर 160 आर कंप्लाइड विद। तो अगर एक बार वो रेगुलर डायरेक्टर बन जाएगा, उसके बाद एमडी का ऑफिस भी उसका कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और तीन क्वेश्चन हैं इसके, देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंस लिमिटेड डिजायर टू अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओके, द आर्टिकल ऑफ कंपनी कन्फर अपॉन द बोर्ड टू एक्सरसाइज द पावर टू अपॉइंट सच ए डायरेक्टर, ठीक है, आर्टिकल ने पावर दे दिया, अच्छी बात है। एज सच एम इज अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एग्जामिन, तो यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, आगे पढ़ते हैं। वेदर एम कैन कंटिन्यू एज डायरेक्टर इफ द एजीएम ऑफ द कंपनी इज नॉट हेल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड एंड इज एडजर्न टू ए लेटर डेट, तो इसका आंसर आपको पता है कि नो, ही कैन नॉट कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर, बिकॉज आपको विच एवर इज अर्लियर दे रखा है हमने, एजीएम जिस दिन हो जाए या एज पर 96 जिस दिन होनी चाहिए। एन एडिशनल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम और लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड एज पर सेक्शन 96। और सेक्शन 96 क्या कहता है, कंपनी शैल होल्ड एजीएम विद इन 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका ये जो डायरेक्टर है इसको ऑफिस खाली करना पड़ेगा, हम वेट नहीं करेंगे। सेकेंड, कैन द पावर ऑफ अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर बी एक्सरसाइज बाय द एजीएम, अब एजीएम के अंदर क्या होता है भाई, शेयर होल्डर्स डिसीजन लेते हैं, ओके, और क्लियर सी बात है कि आर्टिकल पावर देती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो इसका आंसर आपका नो है, और यहाँ पे आपको पावर वाला पॉइंट लिख के आना है कि पावर, आर्टिकल पावर देती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम।
As the company secretary of the company, what check you make after M is appointed as an additional director? तो सिर्फ additional director ही क्या, जब भी company के अंदर कोई भी बंदा किसी भी type का director appoint होता है, तो आपको basically मैंने जो बताया था section number 152 के अंदर 3, 4, 5 वो requirements तो आपको देखना है कि वो fulfill हो रही है कि नहीं, ये तो मतलब must है। आप और कुछ भूल जाओ ये मत भूलना, ये तीन सेक्शन। तो थ्री में क्या था, डिन, फोर में था आपका डिक्लेरेशन कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है और डिन फर्निश कर रहे हो, फाइव में था कंसेंट। तो यही चीजें आपको चेक करनी है। तो चेकलिस्ट के अंदर आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, एक तो 164 में डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए बंदा, 152 थ्री में डिन नंबर बता दे, डिक्लेरेशन दे दे, कंसेंट अपना दे दे फॉर्म DIR 2 में, और कंपनी वो कंसेंट फाइल भी कर दे DIR 12 में, ओके। और एक आपका सेक्शन 170 है जिसके अंदर आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं डायरेक्टर्स का, वो अभी हम सबसे एंड में पढ़ेंगे जब ये हमारा चैप्टर खत्म होने वाला होगा। तो आपको ये और देखना है कि उस रजिस्टर के अंदर हमने नाम वगैरह सब एंटर कर दिया, और इस रजिस्टर को ना हमें फाइल भी करना होता है ROC के साथ, वो फाइल भी कर दिया कि नहीं, तो इतनी चीजें आपको देखनी है। ठीक है जी, यहां तक डन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिस्टर अभी वॉज अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पाइनियर लिमिटेड ऑन 14th March, ठीक है जी। द AGM ऑफ द कंपनी वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 29th September, ठीक है जी, बट ड्यू टू हैवी रेन एंड फ्लड ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी वर डिस्ट्रॉयड। इन ऑर्डर टू रीबिल्ड द रिकॉर्ड द कंपनी अप्रोच्ड द ROC फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग द AGM टिल 30th December 2016। तो इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइस मिस्टर अभी वो वॉज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ड्यूरिंग द ईयर। तो भाई यहाँ पे आपको मैंने बताया था टेन्योर के नीचे लिखा था सेक्शन 96 में कि अगर ROC चाहे तो 3 महीने के लिए मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकती है। तो आपको ये लिख के आना है टेन्योर वाला पूरा पॉइंट, टेन्योर और सेक्शन 96, ओके। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो मिस्टर अभी है उनके पास अब सिर्फ दिसंबर तक का ही टाइम है, 30th December जब तक वो एक्सटेंड हो रहा है, 30th September तक, उसके बाद इनको ये ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, ओके? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वीन लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी। कंपनीज आर्टिकल एम्पावर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, ओके। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देयरफॉर अपॉइंट मिस्टर के एज द एडिशनल डायरेक्टर। इट मे हाउएवर बी पॉइंटेड आउट दैट अर्लियर द प्रपोजल टू अपॉइंट मिस्टर के एज डायरेक्टर ऑन द कंपनीज बोर्ड वॉज रिजेक्टेड बाई द मेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे इसको अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये इनवैलिड अपॉइंटमेंट है। तो यही क्वेश्चन पूछा होगा, देखते हैं। तो एग्जामिन वेदर मिस्टर के अपॉइंटमेंट एज एडिशनल डायरेक्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज वैलिड। तो आंसर इट इज इनवैलिड, इनवैलिड है। और पहला पॉइंट पावर वाला आपको लिख के आना है इसमें। अगला, वेदर द कंपनीज AGM कैन अपॉइंट मिस्टर के एज एडिशनल डायरेक्टर व्हेन द प्रपोजल टू अपॉइंट कम्स बिफोर द मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये कह रहे हैं जब पहली बार कंपनी के पास आया था तब क्या वो एज ए इसको मिस्टर के को एज ए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते थे? तो इसका आंसर है नो। अगेन पावर वाला आपको पॉइंट देना है कि भाई जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है ये तो आर्टिकल्स ने दी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, शेयर होल्डर नहीं अपॉइंट कर सकते एडिशनल डायरेक्टर। थर्ड पॉइंट, इन केस AGM इज नॉट हेल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम डिसाइड वेदर मिस्टर के वो वॉज अपॉइंटेड बाई बोर्ड एज एडिशनल डायरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सिचुएशन थोड़ी अलग है। अभी यहाँ पे क्या कहा था, फर्स्ट टाइम जब वो आया था तब मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ कह रहे हैं अभी वो मेंबर वाली बात को आप भूल जाओ, थर्ड पॉइंट अलग है। पहली बार जब मिस्टर के आया था अपॉइंटमेंट के लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको अपॉइंट कर दिया था। अब पूछ रहे हैं कि उसका AGM हमारा टाइमली हुआ नहीं तो क्या होगा, तो कैन ही कॉन्टिन्यू टू एक्ट एज डायरेक्टर? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज उसका टेन्योर AGM या AGM जिस दिन हो जाए या सेक्शन 96 के अकॉर्डिंगली जिस दिन होना चाहिए, विच एवर इज आपका अर्लियर, उस दिन उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। डन है? तो इजी सा आपका ये था, सारे क्वेश्चंस बड़े इजी थे। तो बेसिकली एक तो इसमें आपका पावर के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, टेन्योर के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, टेन्योर में दोनों पॉइंट आपको मिलाने हैं, ठीक है। अगर MD से भी रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आए थे, ये एक आपका स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे MD से रिलेटेड, और एक ये था कि अगर आपको उसे एज ए रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो
आपको सेक्शन 160 कंप्लाई करना पड़ेगा और फिर 160 के वो आपको प्रोविजंस बताने पड़ेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इजी है, मिस मत करना, इसका क्वेश्चन आएगा श्योरली आपको अटेम्प्ट करके आना है। ओके, और एक बार मैं आपको स्टडी मटेरियल भी गो थ्रू करवा देता हूँ। तो स्टडी मटेरियल के अंदर यही बता रखा है, 161 इसका सेक्शन है। तो आर्टिकल ऑफ कंपनी कन्फर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कि आर्टिकल पावर देती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टू अपॉइंट एनी पर्सन एनी टाइम, बट जो बंदा रिजेक्ट हो रखा है पहले वो अपॉइंट नहीं हो सकता। तो ये रहा सेकंड पॉइंट में लिख दिया, अ पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड। और थर्ड पॉइंट में लिखा है इसका ऑफिस कब तक रहेगा, तो एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एजीएम और लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ आपको कहीं सेक्शन 96 का रेफरेंस नहीं दे रखा, बट मैंने थोड़ा सा आपको इसमें एड ऑन कर दिया ये अपनी तरफ से जो होना चाहिए। उसके बाद आपका ये पावर से रिलेटेड फिर से पॉइंट बता रखे, विद अ व्यू टू मीट अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एम्पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम इफ सच ए पावर इज ग्रांटेड बाय आर्टिकल। द नोटेबल पॉइंट इज दैट इट इज नॉट सेक्शन 161 बट द आर्टिकल्स विच कन्फर सच पावर। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबल पर्सन द पर्सन टू बी अपॉइंटेड, अब ये जो हमने ऊपर प्रोविजन पढ़ा है उसी की एक्सप्लेनेशन चल रही है। और फिर आपका यहाँ पे यही बता रखा है, मस्ट नॉट बी द पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंटेड, सेम चीज़ रिपीट हो रही है। टर्म ऑफ ऑफिस वापस से वही बता रखा है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये फिनिश होता है। नेक्स्ट आपका इसके बाद हम कवर करेंगे ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो एडिशनल डायरेक्टर हमने देख लिया, अब हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। चलिए पढ़ते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर और आपका भी जो मैंने पढ़ाया था आपको एडिशनल डायरेक्टर, दोनों में क्या फर्क है, सबसे पहले तो आप ये समझो। एडिशनल डायरेक्टर हम क्यों अपॉइंट कर रहे थे, बिकॉज कंपनी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी मैनेजमेंट में कुछ लोगों की, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट को एक बार संभाल सके, इसलिए हम एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे थे। ऑल्टरनेट डायरेक्टर हम तब अपॉइंट करते हैं जब कंपनी का कोई रेगुलर डायरेक्टर 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा के लिए आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, तो उसकी जगह कोई बंदा चाहिए जो कंपनी में तब तक उसका काम संभाल सके, तो उस चीज़ के लिए हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। इसमें भी पावर कौन देता है, आर्टिकल्स देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो पावर टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, ठीक है, या शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग के अंदर ये रिजोल्यूशन पास कर दे तो भी चलेगा। तो दो तरफ से आपको पावर मिल सकता है, एक तो आर्टिकल से मिल सकता है और एक शेयर होल्डर डायरेक्ट आपको रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दे दे कि आप लोग कर लो अपॉइंट। ओके, तो नीड क्या थी वो मैंने आपको बता दिया, जो कंपनी का रेगुलर डायरेक्टर है वो 3 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, कम से कम 3 महीने, 3 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर 3 महीने से कम है तो आप उसके लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, भाई वही 3 आपका 152(3), (4), (5) डिन डिस्क्वालिफिकेशन और एक आपका कंसेंट, प्लस आपका ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप जो है, एक ये सेक्शन है 165, अभी हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में या उसके अगली वीडियो में, तब आपको मैं इसको वापस से दिखा दूंगा। क्या होता है, एक आदमी मैक्सिमम 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है और उसके अंदर भी पब्लिक कंपनी में सिर्फ 10, तो वो सब चीज़ें वो कंप्लाई होना चाहिए। अगला, ही मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर इन द सेम कंपनी, ही मस्ट नॉट बी एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन द सेम कंपनी। तो सेम कंपनी के अंदर ना तो वो पहले से कोई डायरेक्टर हो या किसी और डायरेक्टर के लिए वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो, तो मतलब डायरेक्टरशिप से कोई लेना देना ना हो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जिस कंपनी में उसको हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर बिठाना चाहते हैं तो फिर वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 149(6) के अंदर उसको कंप्लाई करना चाहिए। ओके, कंसेंट,
तो कंसेंट का मैं यहीं पे ही आपको मैंने वैसे बोल दिया था, कोई बात नहीं, इधर अलग से पॉइंट दे दिया। कंसेंट का वही सेम है, आपको DIR 2 के अंदर कंसेंट ऑप्टेन करना है और फिर कंपनी भी उसको आगे फाइल कर देगी ROC के साथ। टर्म ऑफ ऑफिस, तो एडिशनल डायरेक्टर में क्या था, जब AGM का आपका पॉइंट था टेन्यूर के लिए, बट ऑल्टरनेट डायरेक्टर के अंदर जो आप ओरिजिनल डायरेक्टर जिसकी जगह आप एडिशनल डायरेक्टर बिठा रहे हो, तो उस ओरिजिनल डायरेक्टर का जो टर्म है उससे एक्सीड नहीं कर सकता। तो नॉट लॉन्गर देन द टर्म परमिसिबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर। प्लस अगर ओरिजिनल डायरेक्टर किसी भी रीजन से ऑफिस छोड़ देते हैं, जैसे सपोज कि जो रिजाइन कर दे या उसकी डेथ हो जाए या एनी अदर थिंग, तो फिर ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। या अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया वापस आ जाए, ऑन रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर बैक टू इंडिया, ऑल्टरनेट डायरेक्टर हैज टू वेकेट ऑफिस। तो तीन सिचुएशंस हैं, एक तो जो उसका ओरिजिनल टर्म है ओरिजिनल डायरेक्टर का उससे एक्सीड नहीं हो सकता, या ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफिस को वेकेट कर दे, मर जाए या कुछ रिजाइन कर दे वगैरह वगैरह, या वो वापस इंडिया आ जाए। तो इन तीन सूरतों में ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस क्लोज। आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट अंडर 1527। भाई 1527 के अंदर जो आपका रिटायरिंग डायरेक्टर था वो रीअपॉइंट हो रहा है। रिटायरिंग डायरेक्टर तो आपका ओरिजिनल डायरेक्टर हुआ, ठीक है, तो ये लिख दिया इसलिए हमने यहाँ पे अप्लाई टू ओरिजिनल डायरेक्टर एंड नॉट टू ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अगला नोट, ओरिजिनल डायरेक्टर कैनॉट हिमसेल्फ अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन हिज प्लेस। इसके दो रीजन है, एक तो ये जो पावर दिया गया है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया है, तो ओरिजिनल डायरेक्टर जो है वो अपनी जगह खुद नहीं बिठा सकता कोई बंदा। तो एक तो रीजन ये था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिवली ये डिसीजन लेते हैं किसको बिठाने। सेकंड रीजन ये है, एक सेक्शन आपका 166 है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, तो उसके अंदर लिख रखा है डायरेक्टर अपना ऑफिस किसी को भी खुद असाइन नहीं करेगा। डायरेक्टर शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस एंड इफ एनी असाइनमेंट इज मेड इट शैल बी वॉइड। तो दो रीजन मैंने आपको दे दिए कि क्यों डायरेक्टर अपनी जगह पे खुद ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। ओके, तो इसके क्वेश्चन सब देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले एक बार हम अपना स्टडी मटेरियल मैप कर लेते हैं, स्टडी मटेरियल के अंदर क्या क्या लिख रखा है। काफी कुछ है, तो 161-2 सबसे पहले ये लिखा है आपको, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स और बाय ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी इन जर्नल मीटिंग अपॉइंट अ पर्सन नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी और होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी टू एक्ट एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ। तो ये पहले पैराग्राफ में जितनी बातें लिखी गई थी उसको हमने ब्रेक करके यहाँ पे आपको लिख दिया। पहला ये पावर था, देन ये आपका नीड आ गया, और उसके बाद आपका ये ही मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर इन सेम कंपनी और ही मस्ट नॉट बी एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन द कंपनी। तो ये तीन पॉइंट आपके पहले उसके अंदर कवर हो गए। ओके, अगला, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर unless he is qualified to be appointed as an independent director under the provisions of this act। तो qualified मतलब वो आपका जो 149(6) का eligibility criteria है वो meet कर रहा हो। तो ये point भी हमने लिख लिया। an alternate director shall not hold office for a period। अब ये tenure की बात हो गई, तो tenure में हमने तीन चीजें बात की थी। पहला कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्यूर है उसको एक्सीड नहीं कर सकते, तो एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन द परमिसिबल टू ओरिजिनल डायरेक्टर, ठीक है, इन वोज प्लेस ही हैज बीन अपॉइंटेड एंड शैल वेकेट द ऑफिस व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न टू इंडिया। तो ये दो पॉइंट तो हमने यहाँ लिख लिए थे, एक हमारा रह गया, नॉट ये हो गया और ये हो गया ऑन रिटर्न। अब ये वेकेशन वाला देखते हैं। इफ द टर्म ऑफ office of the original director is determined before he so return to India, any provision for the automatic reappointment of retiring director shall apply to original and not to alternate director। तो ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया था, automatic reappointment वाला point original director को apply होगा ना कि alternate director को। उसके बाद वापस से यही सब चीजों को explain कर रखे है, आप इसको घर पे खुद भी पढ़ सकते हैं। ओके,
एक यहाँ पे टर्म के अंदर ये पॉइंट आप देख लो, एज सुन एज द ओरिजिनल डायरेक्टर सीजेस टू बी अ डायरेक्टर डेथ इंक्लूडेड द ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉलो हिज स्टेप्स एंड इज रिक्वायर्ड टू वेकेट द ऑफिस। तो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको इधर लिखवा दिया था, सेम। ओके बाकी सब वही है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर बाय ओरिजिनल डायरेक्टर, ये भी हमने लिख लिया था कि भाई ओरिजिनल डायरेक्टर खुद अपॉइंट नहीं कर सकता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी होती है। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, अराउंड 4 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे अभी। पहला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स अ डायरेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड गोज टू फॉरेन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है जी, लंबे टाइम के लिए जा रहा है, 3 महीने से ऊपर के लिए जा रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट मिस्टर ए इन हिज प्लेस एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ओके, मिस्टर ए वॉज ऑल्सो होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन एक्स वाई जेड लिमिटेड। ओहो, अब ओके नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ए इन एक्स वाई जेड लिमिटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, तो इनवैलिड है। तो आंसर में आप ये तीनों पॉइंट लिख देना, ओके, और फिर बता देना इनवैलिड है। तीनों पॉइंट इसलिए बिकॉज ये यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं 6 मंथ का, तो ये पॉइंट तो वैलिड था, इसलिए हमें बताना पड़ेगा। और अपॉइंट भी डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते, अगर आर्टिकल ऑथराइज करते, ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो इसलिए ये तीनों पॉइंट आप लिखेंगे और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी अपॉइंटमेंट मिस्टर ए की इनवैलिड है बिकॉज वो पहले से ही डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड के अंदर। बाकी सारे पॉइंट ठीक थे। आगे क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर पी वो इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, तो ये भी इनवैलिड है। इसके लिए सिंपल आपको एक ये वाला पॉइंट लिखना है, 4th पॉइंट। ओके अगला, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए जे डी लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर एन एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ। ये 2 मंथ का क्या मतलब होता है? एज सच हम टेन्योर फिक्स नहीं कर सकते हैं, गलत बात। अगेंस्ट अ डायरेक्टर वो हैज प्रोसीडेड अब्रॉड ऑन ए लीव फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये ओके है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी आर साइलेंट, आर्टिकल्स भी साइलेंट है, घोर पाप हो गया। ओके अब या तो आर्टिकल अप्रूव करे या शेयर होल्डर इसको अप्रूव करे अपनी मीटिंग में, तभी आप अपॉइंट कर सकते हो। लिखा है ना, इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल और रिजोल्यूशन पास बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। तो ये भी एक गलत पॉइंट हो गया। और आप टेन्योर ऐसे फिक्स नहीं कर सकते, 2 महीने के लिए टेन्योर आपका ऐसे ही रहेगा, जितना ओरिजिनल डायरेक्टर का है उतना ही इसका डायरेक्टर का टेन्योर रहेगा। जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाएगा इसको हटना पड़ेगा, अगर बीच में ओरिजिनल डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट हो जाता है तो इसको भी वैकेट करना पड़ेगा। बट आप कैसे भी ये फिक्स नहीं कर सकते, तो आपको एक तो ये वाला पॉइंट लिख के आना है, टर्म वाला, और एक आपको ये पावर वाला पॉइंट लिख के आना है, 1 और 6। ठीक है जी, और एक ये पीरियड भी बता रखा है 6 मंथ, ये वैलिड है, तो इसलिए आप ये पीरियड वाला पॉइंट भी लिख देना, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 6 आप लिख के आएंगे और ये 2 पॉइंट आप बताएंगे ये गलत है कि 2 मंथ्स के लिए आप ऐसे पीरियड फिक्स नहीं कर सकते, और आप आपको आर्टिकल्स आपके पावर देने चाहिए, आर्टिकल साइलेंट नहीं चलेगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर नारायण अ डायरेक्टर ऑफ केपीआर लिमिटेड हु इज प्रोसीडिंग ऑन ए लॉन्ग फॉरेन ट्यूर। लॉन्ग फॉरेन ट्यूर तो लिख गया, भाई लॉन्ग कितना ये नहीं बताया। अपॉइंटेड मिस्टर शंकर एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। 2 बातें हैं, एक तो ये नहीं बताया भाई कितना लंबा पीरियड है, दूसरा ये खुद कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है जी, अच्छी बात है, आर्टिकल प्रोवाइड कर रही है, बट ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलकर अपॉइंट करना था। मिस्टर नारायण क्लेम डेट ही हैज अ राइट टू अपॉइंट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, तो गलत बात है। एक तो इसमें आप वही अपना सेकेंड पॉइंट लिख देना, टेन्योर पीरियड वाला, 6 अगर 3 महीने से ऊपर के लिए जा रहे हैं तो ही वो
उसकी जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर हम बिठा सकते हैं। फिर आप ये बताना कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करते हैं। पावर वन में बता रखी थी हमने कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं अगर आर्टिकल ऑथराइज करे। ओके, और फिर वो बता रहा है कि उसको राइट है, तो आपको बताना है नहीं जी आपको राइट नहीं है बिकॉज आप 166 भी वायलेट कर रहे हो, ये पॉइंट नंबर 8 में बता रखे हैं मैंने। तो 1, 2, 8 ये तीन पॉइंट लिख के आप इसका आंसर लिख के आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दो हमारे इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर और आपका एडिशनल डायरेक्टर के पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब अगला आपका छोटा सा टॉपिक है नॉमिनी डायरेक्टर, हार्डली 2 मिनट लगेगा इसको करने में। नॉमिनी डायरेक्टर मैंने आपको पहले भी समझाया था कौन होता है, जैसे अगर कोई HDFC बैंक से लोन ले रहा है, HDFC बैंक ने सपोज करो किसी कंपनी को 500 करोड़ का लोन दे दिया। अब HDFC बैंक को ये है कि भाई वो कंपनी मेरे पैसों का फ्रॉड ना करे, मेरे पैसों को डाइवर्ट ना करे और उसको ठीक से यूज़ करे बिजनेस में। तो ये देखने के लिए HDFC बैंक बोलेगा कि जी मैं अपना एक बंदा आपकी कंपनी में एज ए डायरेक्टर बिठाऊंगा। तो क्या कंपनी कर सकती है? हाँ, कंपनी कर सकती है। उसके लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर ऐसे मेंशन होना चाहिए कि भाई आर्टिकल अलाउ कर रहे हैं नॉमिनी डायरेक्टर के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, आर्टिकल अलाउ करने चाहिए। अगर आर्टिकल ही अलाउ नहीं कर रहे तो ये फिर गलती उस बैंक की है जो लोन दे रहा है, उसको देखना चाहिए कि कंपनी के आर्टिकल्स अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, तो बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ठीक है, फॉर द टाइमिंग इन फोर्स बाय एन इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये पॉइंट तो चलो ओके है, आपको भी पता है ये तो कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है उसके अंदर अगर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, वो गवर्नमेंट कंपनी है 51% से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट तो अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर ही सकती है। मेन बात है ये दो पॉइंट, ठीक है। सेकंड, एक तो आर्टिकल अलाउ करने चाहिए, एक या तो एज पर लॉ या एज पर एग्रीमेंट पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, जिसके साथ भी हो, ये होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ शक्ति लिमिटेड डिसाइड्स टू अपॉइंट ऑन इट्स बोर्ड मिस्टर रवि एज अ नॉमिनी डायरेक्टर अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ ए बैंक विच हैज एक्सटेंडेड अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंपनी। तो कंपनी है शक्ति और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं कि अपने बोर्ड में हम एक मिस्टर रवि हैं जो कि बैंक की तरफ से हैं, उनको अपॉइंट कर दें। ठीक है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डू नॉट कन्फर अपॉन बोर्ड एनी सच पावर। तो आर्टिकल्स ऐसी कोई पावर नहीं दे रही तो आप नहीं अपॉइंट कर सकते। ओके, तो ये आपका पहला पॉइंट वायलेट हो रहा है। फिर ऑल्सो देयर इज नो फॉर्मल एग्रीमेंट, भाई हमने यहाँ पे फिर कहा था कि ये एग्रीमेंट होना चाहिए या एज पर लॉ होना चाहिए, तो कोई एग्रीमेंट भी नहीं है कंपनी और बैंक के बीच में, तो भाई फ्री में थोड़ी ना हम अपॉइंट करेंगे, नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपॉइंट कर, ये अपॉइंटमेंट इस तरह की आपकी इनवैलिड है, आपको अपॉइंट करना है तो पहले अपने आर्टिकल्स को अल्टर करो और एक एग्रीमेंट करो बैंक के साथ, उसके बाद ही आप अपॉइंट कर सकते हो मिस्टर रवि को। ओके, तो ये छोटा सा आपका नॉमिनी डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है। थोड़ा सा नॉमिनी डायरेक्टर हम और पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के टाइम, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं आपको कराऊंगा उस वक्त, तो अभी के लिए इतना इनफ है। अब इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट है हमारा सेक्शन 161, उसके अंदर 161(4) में जो कवर होता है कैजुअल वैकेंसी। ऑलराइट, तो लेट्स रीड द कैजुअल वैकेंसी नाउ। अच्छा, ये करने से पहले एक सेकंड, स्टडी मटेरियल में देख लीजिए नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में, बस इतना सही दे रखा है। तो इसके अंदर आपको जो बोला है वो पढ़ लो एक बार, 161(3) है। ओके, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइमिंग या ऑफ एनी एग्रीमेंट, ठीक है, लॉ के या एग्रीमेंट के द्वारा या बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन द गवर्नमेंट कंपनी। फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने यहाँ पे अपना एक्सप्लेन कर दिया, तो यही चीज मैंने आपको वहां पे पीछे लिखवा दिया।
ऑल राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कैजुअल वैकेंसी। चलिए देखते हैं, तो ये है क्या, क्या होता है कैजुअल वैकेंसी, व्हाट इज दिस। इफ ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिए। इफ ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग, मतलब हम उन डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसको शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, उन डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे जो कि डायरेक्टर्स ने खुद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर रखे है, जैसे एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, ओके। तो इफ ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कंपनी इज वैकेटेड बिफोर हिज टर्म एक्सपायर, डेट विल रिजल्ट इन कैजुअल वैकेंसी। तो वैसे क्यों वैकेट होगा भाई, कुछ एक रीजन है, जैसे डिसक्वालीफाई हो गया या डेथ हो गई, ठीक है, या उसने रिजाइन कर दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है, अपना जो भी उसका पीरियड था वो ओवर होने से पहले वो अगर छोड़ के जा रहा है कंपनी, तो उसकी जगह अब हम क्या करें, ठीक है। तो वो फिल्स कैजुअल वैकेंसी, तो कैजुअल वैकेंसी इज फिल्ड एज पर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा अलग है, अभी तक हमने जो पीछे तीन पढ़ा था, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, तो तीनों में आर्टिकल्स पावर दे रही थी, यहाँ पे आर्टिकल पावर नहीं दे रही है। यहाँ अगर आर्टिकल पहले बताएगी, कोई तरीका है क्या कैजुअल वैकेंसी फिल करने का, कैजुअल वैकेंसी इज फिल्ड एज पर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल, अगर आर्टिकल्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, आर्टिकल साइलेंट है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन, ओके। इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मेंबर इन इमीडिएट नेक्स्ट जर्नल मीटिंग, तो जो भी आप बंदा अपॉइंट करोगे वो मेंबर्स के द्वारा अप्रूव करवाना है, जो भी आपकी नेक्स्ट जर्नल मीटिंग है उसके अंदर। पीरियड ऑफ ऑफिस अप टू द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ सच डायरेक्टर इन वोज प्लेस हिज अपॉइंटमेंट इज डन, तो जो भी ओरिजिनल डायरेक्टर जो कि ऑफिस छोड़ के चला गया, तो उसका अब जितना भी बचा हुआ पीरियड ऑफ टर्म है, अनएक्सपायर्ड पीरियड, ठीक है, उतने पीरियड के लिए ये कैजुअल वैकेंसी आपकी काम करेगी, ओके। और जब जर्नल मीटिंग हो रही है उसमें मेंबर्स से अप्रूव मिल जाए, तो उसके बाद एक आपका कॉन्टिन्यूशन क्लॉज है, डेट विल बिकम एप्लीकेबल। लेट्स एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, सपोज हमने 20th जून को एक कैजुअल वैकेंसी फिल करी, ओके, 2020, इसका ऑफिस का पीरियड है आपका लेट से 20th जून 2021 तक, ठीक है, बीच में एजीएम आपकी आ गई 18 अगस्त 2020, तो इस एजीएम के अंदर इस अपॉइंटमेंट को आप अप्रूव करवा लो, अगर आपने अप्रूव करा लिया तो फिर आप का ये जो डायरेक्टर है ये इस पीरियड तक काम करेगा, अगर यहाँ पे अप्रूव नहीं हो पाया तो यहीं से उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, सिंपल। एग्जाम्पल कैजुअल वैकेंसी के, जैसे डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल एक्सेट्रा। स्पेशल नोट, इफ एनी डायरेक्टर वॉज अपॉइंटेड इन जर्नल मीटिंग बट ही डज नॉट ज्वाइन द ऑफिस, इट विल नॉट कंसिडर्ड एज कैजुअल वैकेंसी, ओके। तो अगर आपने कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया था पर वो डायरेक्टर ऑफिस ही नहीं आया, डे वन पे भी नहीं आया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका ऑफिस खाली हो गया, बट अगर वो 10 दिन के लिए भी आया तो फिर डेट विल अमाउंट टू क्रिएशन ऑफ ए कैजुअल वैकेंसी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट हैपन इफ कैजुअल वैकेंसीज अगेन वैकेटेड ड्यू टू सम कैजुअल अकरेंस, तो आपने कैजुअल वैकेंसी में एक बंदे को रखा, ठीक है, अब वो भी, उसकी भी सपोज कीजिए डेथ हो गई, अब आप क्या करेंगे, कैजुअल वैकेंसी आप किसकी फिल कर रहे हो, उस डायरेक्टर की जो कि जर्नल मीटिंग में अपॉइंट हो रहा है शेयर होल्डर द्वारा, ठीक है, बट ये जो कैजुअल वैकेंसी में हम डायरेक्टर बिठा रहे हैं ये कौन फिल कर रहा है, दिस इज फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो अब इसकी भी कोई वैकेंसी हो जाए तो इसके लिए आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, ओके, बट आप उसको एज ए कैजुअल वैकेंसी आप फिल नहीं कर सकते। सच वैकेंसी, सॉरी ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं, एज ए एडिशनल डायरेक्टर आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। सच वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय बोर्ड बाय अपॉइंटिंग एन एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर तो उसके लिए था जो कंट्री छोड़ के 3 महीने के लिए बाहर चला गया,
ठीक है, तो सच वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय अपॉइंटिंग एन एडिशनल डायरेक्टर बिकॉज दिस टाइम कैजुअल वैकेंसी एरोज अगेंस्ट एन अपॉइंटमेंट विच वॉज नॉट मेड इन जर्नल मीटिंग. ये रीजनिंग आपको देना पड़ेगा और एग्जाम में इसके पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है. एक पॉइंट है आपका, इफ अर्लियर डायरेक्टर वॉज एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर हिज इंटरेस्ट कैन नॉट बी अटैच टू एन न्यू डायरेक्टर फिलिंग द कैजुअल वैकेंसी. क्लियर है, तो सिंपल है, इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है. अर्जेंसी, अर्जेंसी सपोज कीजिए एक पब्लिक कंपनी है, उसमें तीन ही डायरेक्टर है, एक छोड़ के चला गया. अब आपके पास अर्जेंट है बिकॉज आपको कंपनी चलाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहिए जो कि है तीन. अब आपके पास अगर तीन से ज़्यादा डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर छोड़ के चला जाए तो कोई अर्जेंसी नहीं है. अर्जेंसी आपकी होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर के केस में. और वुमेन डायरेक्टर के केस में भी हमने अभी पीछे पढ़ा था, जब आपके पास सिर्फ एक ही वुमेन डायरेक्टर है देन इट बिकम्स वेरी अर्जेंट, अदरवाइज कोई अर्जेंसी नहीं है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में जब हम ये कवर करेंगे तब पढ़ेंगे. ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड इन कैजुअल वैकेंसी एज अ रेगुलर डायरेक्टर. अगर कैजुअल वैकेंसी में आपने कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया, आपको उसका काम अच्छा लगा, उसको आप एज अ रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो, देन कंप्लाई विद सेक्शन 160 और अपॉइंट कर दो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो ये सारे प्रोविजंस मैंने आपको पढ़ा दिए, एक बार स्टडी मटेरियल देख लेते हैं. कैजुअल वैकेंसी के बारे में बताया गया है, इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जर्नल मीटिंग, ठीक है, इज वैकेटेड बिफोर हिज टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर इन द नॉर्मल कोर्स द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी में इन डिफॉल्ट ऑफ एंड सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन इन आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. मतलब आर्टिकल पहले बताएगी कि कैसे होगा, बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, ठीक है, विच शेल बी सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय मेंबर इन द इमीडिएटली नेक्स्ट जर्नल मीटिंग. एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शेल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट अप टू विच द डायरेक्टर इन वोज प्लेस ही इज अपॉइंटेड वुड हैव हेल्ड इफ इट हैड नॉट बीन वैकेटेड. मतलब जो आपका ओरिजिनल डायरेक्टर का अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ टर्म है, यहाँ हमने लिखा भी होगा, अप टू द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ सच डायरेक्टर इन वोज प्लेस इज अपॉइंटमेंट इज डन. तो ये सारी बातें मैं अपने नोट्स में आपको लिखवा चुका, द अबव प्रोविजन आर डिस्कस्ड एज अंडर. तो अब इसी को इन्होंने यहाँ पे पूरा अच्छे से खींच के डिस्कस कर रखा है. ओके, ये आपका इंटरेस्टेड डायरेक्टर का पैराग्राफ, ये अर्जेंसी वाला पैराग्राफ, ये टर्म ऑफ ऑफिस वाला पैराग्राफ, तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में लिखवा रखा है. इधर आपका ये एडिशनल डायरेक्टर वाला हो गया कि भाई कैजुअल वैकेंसी अगर कोई क्रिएट हो जाए. ऑल राइट, अब देखते हैं इसके भी चार एक क्वेश्चंस हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा टॉपिक फिनिश. चलिए पहला क्वेश्चन, मेसर्स ब्राइट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एट द एजीएम हेल्ड ऑन 30th September 2016 अपॉइंटेड मिस्टर अनमोल एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years. चलिए, ऑन 2nd अक्टूबर 2017 मिस्टर अनमोल सफर्ड अ सीवियर हार्ट फेलियर एंड एक्सपायर्ड. तो 2nd अक्टूबर को ये भाई साहब गए. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन 16th अक्टूबर अपॉइंटेड मिस्टर प्रतीक टू फिल द कैजुअल वैकेंसी सो क्रिएटेड. ठीक है, अभी तक सब ऑल ओके है. द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर प्रतीक वॉज मेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 years. ये गलत बात है जी, 10 year कितना रहेगा, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर. The appointment of Mr. Pratik was made for a term of 3 years by the board. ये गलत है. Subsequently, at the AGM held on 29th 9 2018, Mr. Pratik appointment was not proposed or approved as board was of the view that it is not required. ये भी गलत है. Subsequently, appointment was not proposed or approved. ये दूसरी गलती हो गई. But the CFO of the company is of opinion that the board of director have contravened the provisions of Companies Act. Yes, CFO is an intelligent person. Chartered accountant hoga. So, in respect of non-approval of his appointment of Mr. Pratik and his office tenure.
तो डिसाइड, तो भाई सही कह रहा है बंदा, अब इसने दो प्रोविजंस आपके वायलेट किए हैं, एक तो ये पीरियड ऑफ ऑफिस वाला और एक ये आपका ये वो फिल्स द वैकेंसी वाला कि इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग सेक्शन, याद रखना ये दो प्रोविजंस लिख के आना और उसके बाद लिख देना कि बोर्ड हैज कॉन्ट्रावेंड द प्रोविजन। सिंपल लड्डू क्वेश्चन था, अभी रिसेंटली आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्यूर लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल ऑफ कंपनी फिल्ड अप द कैजुअल वैकेंसी कॉज्ड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर फिलिप हु वाज अपॉइंटेड इन अ ड्यूली हेल्ड जर्नल मीटिंग बाय अपॉइंटिंग मिस्टर मैक्स एज अ डायरेक्टर ऑन 1 मई 2019। ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर मैक्स एक्सपायर्ड ऑन 10 मई 2019। ओके, तो जो कैजुअल वैकेंसी हमने फुलफिल की थी बोर्ड ने, वो भी गया, वो ऑफिस भी खाली हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपका एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मिस्टर मैक्स एक्सपायर्ड ऑन 10 मई आफ्टर वर्किंग फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डे एज अ डायरेक्टर। द बोर्ड नाउ इंटेंड टू फिल अप द कैजुअल वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग मिस्टर मिसेज नीनी वाइफ ऑफ लेट मिस्टर मैक्स इन द फोर्थकमिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड। नहीं जी, ऐसा नहीं कर सकते। अब आप यू कैन नॉट फिल दिस कैजुअल वैकेंसी। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हो कि आप मिसेज नीनी को एज ए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर दो, बट वो भी कब तक फिर अपॉइंट होएगी, नेक्स्ट एजीएम तक, जो भी आपकी अगली एजीएम है वो उसका टेन्योर रहेगा। रेफरिंग टू एंड एनालाइजिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एडवाइज द बोर्ड वेदर इट कैन डू सो। नहीं, नो इट कैन नॉट डू सो। तो हिंट में मैंने लिखा है रेफर व्हाट हैपन इफ कैजुअल वैकेंसी इज अगेन वैकेटेड ड्यू टू सम कैजुअल अकरेंस और अपॉइंटमेंट ऑफ मिसेज मैक्स इज वैलिड। जो मिस्टर मैक्स अपॉइंट किए गए थे वो वैलिड थे एंड मिसेज नीनी इज इनवैलिड। और ये भी लिख देना कि आप मिसेस नीनी को एज ए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है जी, ये आपको लिख के आना है। अच्छा, ये जो पहला क्वेश्चन था इसमें एक चीज मैं बोलना मिस कर गया। इसमें आपको ये जरूर बताना है कि उसका पीरियड कब तक था। देखिए, तीन साल के लिए वो अपॉइंट किया गया था। को अपॉइंट हुआ था और तीन साल के लिए हुआ था, तो इसका मतलब 30 सितंबर 2019 तक अपॉइंटमेंट है। 16 से 17, 17 से 18। हाँ, ओके। और ये यहाँ पे अपॉइंट कब हो रहा है, 16 अक्टूबर को प्रतीक को अपॉइंट कर रहे हैं फॉर 3 इयर्स, तो इसका मतलब 16 अक्टूबर 2020। तो इस पीरियड से तो एक्सीड कर ही नहीं सकता, ये आपको बता के आना है एग्जाम के अंदर, आप ये सब लिखेंगे। ठीक है, ये फैक्ट्स ऑफ द केस का पार्ट है। एक बार आपको फिर भी कहीं कुछ लगे कि हमें कैसे आंसर प्रेजेंट करना है, तो आप सजेस्टेड आंसर्स देख लीजिएगा आईसीआई के, उसके अंदर भी आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। सजेस्टेड आंसर्स आपको श्योरली पढ़ने चाहिए लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के जो भी हो। ओके, तो उससे आपको एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई जो प्रोविजंस आपने यहाँ पढ़े हैं स्टडी मटेरियल के, हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको याद आ रहा है, रिकॉल हो रहा है, वही सब चीज़ें सजेस्टेड आंसर्स में लिखा होगा, उसके अंदर किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट किया गया है उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है जी, क्वेश्चन 1, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिस्टर सचिन वॉज अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कंजर्वेटिव फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है जी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2014 इन अ कैजुअल वैकेंसी बाय वे ऑफ सर्कुलर रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे बड़ी सारी चीजें इसमें दे रखी है। कैजुअल वैकेंसी को आप कैसे फिल कर सकते हो बाय अपॉइंटिंग एन एडिशनल डायरेक्टर, ये पहला पॉइंट ही गलत है, ठीक है, और बाय वे ऑफ सर्कुलर रिजोल्यूशन ये मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा अगले चैप्टर के अंदर। ठीक है, सर्कुलर रिजोल्यूशन में क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको मिलना नहीं होता, वो बाय ईमेल या जो भी प्रपोजल होता है उसका एक ड्राफ्ट कॉपी होता है वो सबको हम सर्कुलेट करवा देते हैं उनके घर पे बाय पोस्ट, और वो उसको साइन करके वापस भेज देते हैं।
तो ऐसे नहीं होता, कैजुअल वैकेंसी आपका मीटिंग के अंदर ही अपॉइंट किया जाता है, तो दोनों ही बात गलत है। एक तो आप ऐसे एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, और एक आप ऐसे सर्कुलर रिजोल्यूशन अपॉइंट नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी इसके लिए। देखो कहीं पे लिख भी रखा था प्रोविजन में, इसके अंदर देखो एक बार, कैजुअल वैकेंसी ये देखो, बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो सर्कुलर रिजोल्यूशन में कोई मीटिंग तो होती नहीं है, उनके पास एक इस तरह से ड्राफ्ट चला जाता है, वो डायरेक्टर पढ़ते हैं, उसे पसंद आता है साइन करते हैं, नहीं पसंद आता रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, एक आप लिख लीजिए, सच वैकेंसी इज फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन इन मीटिंग, ठीक है, सर्कुलर रेजोल्यूशन नॉट अलाउड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी वॉज ड्यू ऑन 31 मार्च 2015, बट द सेम वॉज नॉट हेल्ड ड्यू टू डिले इन फाइनलाइजेशन ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है। सम ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैव क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सचिन। तो पहली बात तो मिस्टर सचिन की जो अपॉइंटमेंट है वही गलत हो गई, और ठीक है अगर अब कर भी दिया एंड इज कॉन्टिन्यूशन एज एन एडिशनल डायरेक्टर बियॉन्ड 31 मार्च, तो 31 मार्च के बियॉन्ड वो वैसे भी रह नहीं सकता, बिकॉज एडिशनल डायरेक्टर जो आपका होता है उसको एजीएम जिस दिन होनी चाहिए उस दिन छोड़ना पड़ेगा। एडवाइज द कंपनी ऑन द कंप्लेंट्स मेड बाय शेयर होल्डर, तो आपको इसमें 161(1) भी रेफर करना पड़ेगा जो आपका एडिशनल डायरेक्टर का सेक्शन है, 161(4) भी आपको रेफर करना पड़ेगा ये सर्कुलर रेजोल्यूशन, और ये बताने के लिए कि कैजुअल वैकेंसी को आप एज ए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। तो अपॉइंटमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब ये डे वन से ही आपकी अपॉइंटमेंट खराब थी। ओके क्वेश्चन नंबर 4, तो ये बहुत पुराने ज़माने में आया था, ये इस तरह के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, हर बार नहीं आते हैं, देख ही रहे हैं बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर ए एज अ डायरेक्टर इन द कैजुअल वैकेंसी कॉज बाय रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर ए इज प्रपोज टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एट द एजीएम व्हेन ही वेकेट्स हिज ऑफिस, ठीक है। तो उसको रीअपॉइंट होना है तो सेक्शन 160 आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर मिस्टर ए कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिटायरिंग डायरेक्टर। नो जी नो, मिस्टर ए रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, इसके लिए आपको 152(6) रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। रिटायरिंग डायरेक्टर कौन होता है, वो डायरेक्टर जो कि कंपनी ने अपॉइंट किया है इन अ जनरल मीटिंग कंडक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। तो एंड स्टेट द लीगल रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल टू गिव इफेक्ट टू द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ए एज ए डायरेक्टर एट द एजीएम। अगर आपको मिस्टर ए को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो आपको 160 कंप्लाई करना पड़ेगा, 160 की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो आप बता दीजिए। तो इधर आपका वन यहाँ हिंट में मैंने लिख भी रखा है, सेक्शन 160 और 152(6), ये दो रेफर करके आप इसको आंसर कर दीजिए। ओके तो कैजुअल वैकेंसी का यहाँ हमने नाम ले रखा है, बट इसका आंसर आपका बेसिकली 160 और 152(6) से निकल रहा है। सो डेट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ये आपके चारों डायरेक्टर हमने यहाँ कर लिए। तो अभी हम हाफ वे में आ गए हैं, अगर आप इधर देखें तो ये टॉपिक नंबर 7 तक मैं आपको करवा चुका हूँ, और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ये टॉपिक से, अभी रिसेंट टाइम में भी काफ़ी आए हुए हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे पीछे हमने स्मॉल शेयर होल्डर किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, देख सकते हैं आप। उससे पहले आपका डिन किया था, डिन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एंड देन आपका 152(6) और 7 से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ आ रखे हैं अभी रिसेंटली, मतलब अभी तक हमने जितने टॉपिक किए हैं सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके तो हम हाफ वे आ गए हैं, अब थोड़े से हमारे टॉपिक और बचते हैं, वो हम करेंगे इन द कमिंग वीडियोज़। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।